अरे भाई, क्या हालचाल? बढ़िया, कैसे हो फिर आप? बंदा और बता। बढ़िया, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मुझे पड़े आपको आपका दिख रहा है ये, है ना? ये थोड़ा सा बताओगे ये है क्या? काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है ये। काफ़ी बड़ा होटल है ऊपर, और ये छोटी सी मशीन पर मेरे को पता चला इस छोटी सी मशीन का इस बड़े से होटल का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है। हाँ, तो ऐसा है, ये बेसिकली वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है। हाँ, अप टू ड्रिंकिंग वाटर। आप टॉयलेट के पानी को पीने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक कमर्शियल सेटिंग में ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है। इन टर्म्स ऑफ, जैसे वो पानी खरीदते हैं गवर्नमेंट से, बोरवेल से, प्राइवेट टैंकर से, तो वो बेसिकली उनको खरीदना कम हो जाता है, बिकॉज दे आर रिसाइकलिंग नाम होता है, पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। सो ये रिसाइकलिंग यूनिट है, और ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और ये चीज़ ऐसी है कि हमारी नेसेसिटी है, तो एक होटल के लिए ये बड़े से होटल में छोटी सी यूनिट हमें सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली वो भी दे रही है, और होटल को और वाटर पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल बना रही है। एक मिनट, आपने बोला टॉयलेट का पानी, टॉयलेट का पानी जो हम फ्लश करते हैं वहाँ से जो पानी आता है, या फिर जो सिंक वगैरह बाथरूम से नहा के आते हैं वो वाला पानी, या फिर दोनों, हर एक टाइप का पानी? तीनों तीनों, एक टॉयलेट का, हाँ, एक नहाने धोने का, हाँ, एक किचन का, और तो ऑल काइंड ऑफ वेस्ट वाटर। और इतना प्योर हो जाता है कि ये पीने के लिए भी काम आ सकता है। तो चलेंगे देखेंगे, आपको भी पिलाएंगे खुद भी पिएंगे। तो जो टॉयलेट का पानी ये पीने लायक बना देता है, एक बार कितनी बार ये चीज़, ये प्रोसेस होता है? ओके, ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जैसे 100 लीटर पानी आया, 100 लीटर वाटर, वेस्ट वाटर, डर्टी वाटर आया, हाँ, हाँ, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 times रिसाइकल हो जाता है। उसके बाद वाटर इवेपोरेट हो जाता है, कुछ क्लीनिंग में वेस्ट हो जाता है, कुछ और मतलब वो फिनिश हो जाता है। मतलब 100 लीटर पानी आएगा, 80% रिसाइकल और 20-25% वेस्ट होगा, फिर 80% जाएगा वो 60, तो ऐसे 4 to 5 times रिसाइकल होता है। तो 1 लीटर पानी, हाँ, हाँ, आपको 4 to 5 liters आउटपुट देता है। बढ़िया है। तो क्या आप थोड़ा सा बताओगे किस तरह से काम करता है? सबसे पहले हम आते हैं, हाँ, एक चार्ट में, चार्ट के थ्रू ओवरव्यू दिखाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आपका ये पूरा एक सिस्टम है, हाँ, हाँ, यहाँ से पानी सारा कलेक्ट होता है स्टेज से, और यहाँ से फिल्टरेशन करके अपना आकर ये फाइनल पीने का पानी आ जाता है। ये बेसिकली 7 stage फिल्ट्रेशन है, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4। जैसे आप सुनते हैं ना, यहाँ वाटर प्योरीफायर, एक्वागार्ड मार्केटिंग में भी 3 stage 4 stage, ये 7 stage फिल्ट्रेशन है। ठीक है, सो आप मोटा मोटा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, सो सारा वाटर आया स्टेज वन में, ये STP होता है, इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ किचन का पानी आया, किचन का पानी, इसको हमने फिल्टर किया किचन के पानी को, ग्रीस निकाली किचन के पानी से, तेल निकाला, ऑयल रिमूव किए, फिर अंडरग्राउंड टैंक में जब गया तो यहाँ पे कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया विच डोंट नीड ऑक्सीजन, एनारोबिक, तो दे वर्क हियर, देन इट गोज इन टू द STP। तो यहाँ पे देर आर बैक्टीरियाज विच नीड ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट इनका खाना टॉयलेट है। अच्छा, तो ये टॉयलेट को खा जाते हैं, फिर आगे आते हैं, प्योर हो जाता है थोड़ा पानी, बिल्कुल, वो उनका खाना खा जाते हैं, फिर जो बैक्टीरिया मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज हो जाती है, उसको हम निकाल देते हैं इन अ सिंपल टर्म्स। देन दिस इज द सेकेंड, थर्ड स्टेज, वी हैव टू डू फिल्ट्रेशन, राइट, पॉलिशिंग विद जैसे आपकी धरती के अंदर मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, ऐसे इसमें पेबल्स है, कार्बन है, वो है, और नेचुरली आप इसको फिल्ट्रेशन देते हैं विद टेक्नोलॉजी। देन इन दिस फिल्ट्रेशन इट्स अ वन मोर, नाउ दिस आर एडवांस ट्रीटमेंट्स, हम इसको, ये बेसिक STP है, दी आर एडवांस ट्रीटमेंट्स। इन एडवांस ट्रीटमेंट्स हम फर्दर फिल्ट्रेशन करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ यू नो मोर इम्प्योरिटीज, और ये अपना वेस्ट वाटर मेम्ब्रेन सिस्टम है, फ्रॉम हियर यू कैन हैव अ ड्रिंकिंग वाटर। आवर एंटायर सिस्टम इज वेरी मॉडर्न, मतलब कहीं भी आप इसको किसी भी साइट में, किसी भी एरिया में कस्टम करके डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। एंड आप इसके लिए सबसे बड़ी बात है, नो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सिर्फ एक कंपनी, इट इज़ डिसेंट्रलाइज, एनी वन कैन यूज इट एनी वेयर। तो इंपॉर्टेंस इज कंट्री डेवलप होना चाहिए, एवरी टेक्नीशियन कैन लर्न, ईजी टू यूज, ईजी टू ऑपरेट,
लोएस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट, इससे ज़्यादा लोएस्ट कमर्शियल सेटिंग में सक्सेसफुल बहुत कम टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी, बट किसी में ये प्रोस एंड कॉन्स है, किसी को एरिया ज़्यादा चाहिए, इतने कॉम्पैक्ट में ये बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, अब मैं आपको एक बार इसका दिखाता हूँ। इस प्लांट की कैपेसिटी जो है 35,000 लीटर पर डे, इतने से की 35,000 लीटर पर डे, और अप्रॉक्सीमेट स्पीड है इसकी 3500 लीटर पर आवर, 3,500 लीटर पर आवर। एक बार आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है, कहाँ से पानी आता है गंदा और कहाँ पे क्या होता है, क्या होता है और एंड में कहाँ वो प्योर वाटर निकलता है और मैं पीना भी चाहूँगा उस पानी को। पहले आप पियोगे, पहले मैं पीऊँगा और उसके बाद आपको ठीक है फिर मिल करके। सो इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ना किचन का ट्रीटमेंट नहीं दिखा रहा, किचन का पानी ग्रीस ट्रैप कहाँ से निकलता है, बट वो सारा पानी आकर यहाँ अंडरग्राउंड कलेक्शन टैंक में बंद मिक्स होता है। ये इक्वलाइजेशन मिक्सिंग टैंक भी बोलते हैं, तो पानी कभी सुबह आता है शाम को आता है तो इक्वलाइज करता है और प्री ट्रीटमेंट भी होती है ठीक। तो आप देखना इसका ये टैंक वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है, अराउंड 1 लाख लीटर का टैंक है ये देखिए। अच्छा यहाँ पे सारा गंदा पानी आता है नीचे, काफी गंदा इस इतने गंदे पानी को पीने लायक हम आप समझ सकते हैं होटल का पानी कितना गंदा है। ओ वाह, इतने गंदे पानी को भी पीने लायक बना रहे, मतलब जरूरी नहीं है यू डोंट नीड, बट फ्यूचर में तो हम ऑलरेडी नदी नालों में ऐसा पीते हैं। सो बेसिकली अब लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। अच्छा तो सबसे गंदा पानी, सबसे पहले गंदा पानी आया इस टैंक में, हाँ जी, यहाँ पे क्या हुआ, कलेक्ट हुआ पानी, इकट्ठा हुआ और फिर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। अच्छा यहाँ से कहाँ जाएगा पानी, राइट। सो सबसे पहले आपका कलेक्ट हो गया, हाँ ये गंदा पानी बहुत ही नहीं, ये तो बाहर गिरा हुआ है मिट्टी पर टैंक के अंदर अंडरग्राउंड, तो ये हमारे फर्स्ट पंप्स लगे होते हैं, यहाँ से लिफ्ट करके ये फर्स्ट इक्विपमेंट में डालते हैं, इसको हम एसटीपी बोलते हैं ठीक है, प्राइमरी ट्यूब सेक्टर, हाँ इसका एक पार्ट है वरना एसटीपी, एसटीपी का मतलब सीवरेज का ट्रीटमेंट का प्लांट, ठीक है। ये दो पंप्स है, ये दो पंप्स इसको लिफ्ट करके अंदर डालते हैं, क्या होता है और यहाँ तो इस सेक्शन में एक तो कुछ चीज़ें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं नीचे बैठ जाते हैं पानी के, दूसरा इसमें एनोक्सिक ट्रीटमेंट भी होता है। एनोक्सिक ट्रीटमेंट ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, दे आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, सो ये बैक्टीरिया पानी को फिल्टर करते हैं, वो पानी के अंदर इसमें भी होते हैं, सो वो इसको ट्रीटमेंट करते हैं, देन ये यहाँ से फ्लो करके सेकंड स्टेज में जाता है। सेकंड स्टेज कहाँ है, ये दोनों, ओके ये बड़े बड़े, हाँ इनको हम टेक्निकली वर्ड से इट इज कॉल्ड ऑल्सो एरिएशन ट्रीटमेंट, द टेक्नोलॉजी इज MBBR, MBBR, सो व्हाट हैपेंस इज हियर बैक्टीरिया आर देयर विच नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, ओके तो उनको ऑक्सीजन, जैसे फिश एक्वेरियम में ऑक्सीजन देते हैं, इनको हम यहाँ से ऑक्सीजन देते हैं ठीक है। सो ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ये बैक्टीरिया का खाना होता है टॉयलेट, अच्छा जैसे हम सब्जियाँ खाते हैं भी, वेजिटेबल चपाती, ये खाते हैं टॉयलेट, ओके तो ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं वेस्ट मटीरियल को, और फिर इसके नेक्स्ट स्टेज में कलेक्ट होकर अलग हो जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक ऐसी मैच जानने के लिए, 100% गंदा पानी है मान लो, यहाँ स्टेज वन में कितना परसेंट प्योरीफाई हो जाता है वो पानी, अगर प्रोसेस और डिज़ाइन प्रॉपर है सो अराउंड 60-70%, और टोटल ये 7 स्टेप प्रोसेस है, स्टेप वन ये है, स्टेप वन पीछे हो गई किचन का भी ट्रीटमेंट है, स्टेप टू टेक्निकली दिस स्टेप थ्री, ओके ठीक है, बट दिस इज द मेन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, यही है टेक्नोलॉजी प्रोसेस का, ये 1, 2 ठीक है, 1 ये सेकेंड ये रेशियो, ओके विद MBBR टेक्नोलॉजी, एंड ये बैक्टीरिया खुद पानी में सर्वाइव करते हैं और ये बहुत है, और यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वी हैव अ वेरी गुड नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इमीडिएट इवन इन कोल्ड क्लाइमेट्स दे कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, दे सर्वाइव। अच्छा मतलब क्लाइमेट, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कोल्ड क्लाइमेट और हॉट वार्म क्लाइमेट में, क्या कुछ फ़र्क पड़ता है बैक्टीरिया? हाँ देखिए आपने देखा होगा कि जैसे गर्म इलाकों में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हैं गर्मी में ना, कोल्ड में वी आर लिटिल
टाइट लाइक अभी जैकेट डाली हुई है, ऐसी बैक्टीरिया कोल्ड में उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उनको खाना है ना इतना नहीं खाते खाते, वो भी आराम से पानी ठंडा है ना, वाटर इज कोल्ड, तो स्लोली खाते हैं, स्लोली जो काम गर्मी में एक घंटे में होगा वो चार घंटे में होगा, छः घंटे में, तो प्रोसेस स्लो हो जाती है। अच्छा, मान लो जैसे सर्दियों में बर्फ़ गिरी, टूरिस्ट आ गए, एक होटल है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो दिक्कत नहीं हो जाती होगी कई बार प्रोसेस स्लो? हाँ, देखिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इन एक्सट्रीमली वेरी कोल्ड टेम्परेचर दैट टाइम चैलेंजिंग होता है, ठीक है, उसमें प्रोसेस टाइम बहुत इंक्रीज होता है कि अगर बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं करते वो डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं, तो उसमें हम फर्दर ट्रीटमेंट से उसकी हेल्प लेते हैं। अच्छा, हो जाता है वो आगे? हाँ, फर्दर ट्रीटमेंट में हेल्प लेते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस को मेंटेन करके आते हैं। हाँ, बट वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट अगर आप देखें शिमला जैसे, देन इट वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, तो बेसिकली वाटर हैज कम फ्रॉम एरिएशन, देन इट हैज गॉन टू पीछे सेकेंडरी ट्यूब सेक्टर, वो जो पीछे का this section. Okay. So every sludge is collecting down. ठीक है, यहाँ से कलेक्ट होकर एक स्लज कलेक्शन बेड है, वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ डेड बैक्टीरिया है, प्लस यहाँ हमने रिसाइकलिंग भी की हुई है, बैक्टीरिया को भी रिसाइकल करते हैं। अच्छा, तो ये नहीं कि वी डोंट वेस्ट, यहाँ से बैक्टीरिया लिया और वापस इसमें रिचार्ज करते हैं, हम इसको रिचार्जिंग देते हैं, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया ने यहाँ पे हमें पानी को ट्रीट किया है उनको फिर कनेक्ट करें, जाओ फिर से खाओ, इट इज द सेम प्रोसेस, देन आफ्टर दैट वाटर कनेक्ट्स इन दिस टैंक। ओके, ये जो प्रोसेस है जितनी भी पीछे की 1, 2, 3, 4, आफ्टर दैट इट कनेक्ट्स इन दिस, वी कॉल इट फिल्टर फीड टैंक, राइट, फ्रॉम फिल्टर फीड टैंक वी हैव दीज टू इक्विपमेंट्स। ओके, यहाँ बीच में एक इक्विपमेंट टैंक मैं बताता हूँ, ये है और ये, ये दोनों सेम चीज, ओके ठीक, बोथ आर सेम, दो इसलिए लगाई हुई है, थोड़ी देर ये चलता है थोड़ी देर वो चलता है, इट इज कॉल्ड वर्किंग स्टैंडर्ड, 1 hour दिस, 2 hour दिस, 3 hour दिस, यू नो, सो दैट कभी कोई खराब हो गया एक स्पेयर, एंड दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, इसमें जैसे आप घरों में कैंडल्स वैंडल्स चेंज करते हो, इसमें कोई कैंडल्स चेंज करने की जरूरत नहीं होता, ये नेचुरल जो अर्थ का सिस्टम है, पेबल्स और पत्थर एंड यू नो वेरी एडवांस मल्टी ग्रेड फिल्टर, लाइक सॉइल, दिस इज अ मल्टी ग्रेड फिल्टर, दिस इज एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, और इसमें कार्बन हैज बीन मेड फ्रॉम कोकोनट शेल्स एंड ऑल, ड्राइड कोकोनट बोन शेल्स, तो वाटर गेट्स नेचुरली फिल्टर, जिसमें आपकी पार्टिकल वार्टिकल रिमूव होते हैं, यहाँ पे आपकी स्मेल ये सब अलग अलग चीज़ें रिमूव होती है, कलर ठीक होता है, वाटर कलर गेट्स बेटर, एंड बीच में हम ये क्लोरिन डोजिंग करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सो दिस इज फॉर डिसइंफेक्शन, क्लोरीन से बैक्टीरिया वायरस कीटाणु यू नो डिजीज कॉजिंग दे आर किल्ड, एंड यू वांट टू गेट फिट फॉर यू नो डिस्चार्ज और समथिंग, दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि आप गंदे पानी को डायरेक्टली भेजेंगे अनलेस इट इज ट्रीटेड, तो दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट, नाउ दिस इज अ पॉलिशिंग ट्रीटमेंट, अब यहाँ से एडवांस ट्रीटमेंट स्टार्ट, सो व्हेन वाटर कम्स हियर रिसाइकल्स हियर देन इट गोज इनटू दिस टैंक, इसका पानी मैं बताऊंगा, इसका पानी फिल्टर करने के बाद राइट, सो ये पानी यहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ से आप गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हो, अब फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड दिस यूएफ इज समथिंग कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस, तो वी आर डूइंग दैट वेरी फ्रॉम वेरी नाइस टेक्नोलॉजी, सो दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी टेक्स वाटर फ्रॉम दैट टैंक और इस पानी को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, ये पूरा आपका यूएफ सिस्टम है, ठीक है, इसकी भी वर्किंग बताऊँगा, तो इसमें क्या होता है पानी बेसिकली पानी का क्या फिल्ट्रेशन है, अलग अलग जालियाँ टाइप लगी होती हैं, पहले मोटे पार्टिकल थे, फाइन पार्टिकल थे, फाइन पार्टिकल थे, फिर यूएफ भी एक टाइप की मेम्ब्रेन है, दीज आर द टू मेम्ब्रेन्स, तो इसमें मेम्ब्रेन मतलब एक जाली लगी हुई छलनी जैसी, और पानी जाकर छलनी से गंदगी को रोक देता है, बट दिस इज सो फाइन इवन स्मॉल सैंड विल गेट स्टॉप, बिल्कुल फाइन सैंड वो सब यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, लाइक दिस इज अगेन अ सैंड फिल्टर एज कम्पेयर टू दिस, एंड दिस इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस, देखिए ना विद सोलेनोइड वेल, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक ऑन ऑटोमेटिक ऑफ, एंड यू नो इट विल वर्क लाइक दैट फुल्ली,
wonderful. And it has something called cleaning in place, CIP. So this is the equipment here. तो इसकी जो क्लीनिंग होती है ये भी सेल्फ क्लीनिंग है. ड्रम से इसकी क्लीनिंग करो, पीरियोडिकली क्लीनिंग हो जाएगी. मतलब वेस्ट कम निकलता है आपकी. ये नहीं कि बार बार चेंज करनी. दो दो तीन तीन साल भी लाइफ चल जाती है, चार चार साल भी लाइफ चल जाती है. दैट इज वेरी गुड. यू नो देन जब वाटर इससे क्लीन हुआ गोज टू दैट टैंक और ये लास्ट स्टेज आती है. दिस इज वेस्ट वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी. रिवर्स ऑस्मोसिस और वेस्ट वाटर. यहाँ पे पानी आता है. दीज आर द थ्री मेम्ब्रेन्स. इसकी कैपेसिटी, इस प्लांट आर ओ की कैपेसिटी 1500 लीटर्स पर आवर एंड कैन गो अप टू 2000 लीटर पर आवर. दैट इज अराउंड 2000 लीटर पर आवर. एंड आपको इधर आइए, ये मेम्ब्रेन्स है. यहाँ से पानी निकल कर दिस इज अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट, यूवी, यूवी डिसइंफेक्शन. और यहाँ से पानी आपका पीने का सैंपलिंग है या ये पीने का पानी का पिला देगा. ओके राइट. सो This is the working of it. So अब हम I hope any questions अभी तक आपको कोई doubt. और इस पूरे system को चलाने में मतलब कितने बंदे लगते हैं, कितने लोगों की ज़रूरत होती है इस system को, कितने दिन में कितनी बार देखना पड़ता है या फिर कुछ? ज़्यादा कुछ नहीं है, दिन में आधा एक घंटे का काम है. थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर बीच में, थोड़ी देर शाम को. रेगुलर मेंटेनेंस चलता खुद ही है, चलाना पड़ता है. यू नो इट्स ऑटोमेटिक सिस्टम बट अंडर सुपरविजन. तो एक पर्सन अगर एक घंटे दो घंटे दिन में लगा ले दैट इज सफिशिएंट. पीने लायक पानी अब पी सकते हैं. शुरुआत हुई थी इस पानी की, वो किचन टॉयलेट का पानी था. टैंकी में आपने देखा नीचे कितना गंदा था. प्रोसेस हुआ 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 हुआ, 7 स्टेप प्रोसेस, एंड में ये साफ पीने लायक पानी बना. काफ़ी हैप्पी, काफ़ी मज़ा आया. ठीक है, थैंक यू.